मारुति सुजुकी ने जस्ट अभी ग्रैंड विटारा को सीएनजी के अंदर लॉन्च कर दिया है। जैसे एक महीने पहले मैंने आपको कहा था कि ग्रैंड विटारा सीएनजी के अंदर आने वाली है, लेकिन कुछ वही कह रहे थे कि नहीं ये फेक वीडियो है, ग्रैंड विटारा के अंदर आ ही नहीं सकती है, ग्रैंड विटारा एक प्रीमियम गाड़ी है, बड़े सेगमेंट की गाड़ी है, तो कैसे इसके अंदर मारुति सीएनजी प्रोवाइड करवाए। देखिए भैया, मारुति का बस ले तो वो फॉर्च्यूनर के अंदर भी सीएनजी प्रोवाइड करवा दे, क्योंकि काम भी भैया उनका ऐसा ही है। इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे कि आपको मारुति ने कितने वेरिएंट्स के अंदर सीएनजी प्रोवाइड करवाई है, साथ ही कितनी माइलेज निकाल के देगी और कितनी इसकी प्राइसिंग है, आपके लिए कौन सा वेरिएंट बेहतर रहेगा ये भी आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत कर देना। गाइस, मेरा नाम है अनुराग और मैं डेली आपके लिए लेकर आता रहता हूं इसी प्रकार की नई नई कार से रिलेटेड लीड। देखिए, सबसे पहले वेरिएंट की बात करें तो ये हमें दो मिड वेरिएंट के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। जनरली जो ग्रैंड विटारा है वो चार वेरिएंट्स के अंदर आती है, जिसमें सिग्मा, डेल्टा, जेटा एंड अल्फा रहता है। सीएनजी हमें सिर्फ डेल्टा और जेटा के अंदर देखने मिलेगी। डेल्टा की प्राइसिंग की बात करें तो वो आपको पड़ने वाली है 12,85,000 की, जबकि जेटा की प्राइसिंग है वो रहेगी 14,84,000 रुपए की। सबसे पहले फीचर की बात करें तो डेल्टा की सीएनजी वेरिएंट में फ्रंट में आपको हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, टॉप एंड में आपको एलईडी के अंदर मिलते हैं, लेकिन इस वेरिएंट के अंदर आपको हैलोजन के अंदर ही देखने मिलेंगे। एंड ऊपर की ओर आपको डीआरएल भी दिए रहेंगे, जैसे आपको टॉप वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। एंड फ्रंट से जैसे कि आपको जो ग्रिल वगैरह है, नीचे की ओर आपको सिल्वर स्किड प्लेट वगैरह, ये सारी आपको टॉप मॉडल के अंदर मिलती है और आपको डेल्टा सीएनजी वेरिएंट के अंदर भी देखने मिलेगी। साइड प्रोफाइल में चले तो यहाँ पे आपको 17 इंची स्टील रिम व्हील देखने को मिलेंगे। टॉप मॉडल के अंदर आपको अलॉय व्हील मिलते हैं, लेकिन आपको टायर साइज सभी मॉडल के अंदर सेम मिलेगी, 215/60 R17 की। तो अगर आप कल को अलॉय व्हील लगवाना चाहो तो आप अलॉय व्हील लगवा सकते हो, आपको टायर चेंज करवाने की कोई जरूरत है नहीं। टायर मारुति आपको पहले 17 इंची है वो प्रोवाइड करवा रही है। साइड में आपको ORVM पैटर्न इंडिकेटर देखने मिलेगा। एंड डोर्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने मिल जाएंगे, मतलब इस वेरिएंट के अंदर आपको पुश स्टार्ट बटन भी मिलेगा, जो डेल्टा वेरिएंट के अंदर मिलना काफी ज्यादा अच्छी बात है। जैसे जैसे आप हम आगे बढ़ेंगे, फीचर की बात करेंगे, तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये 14 लाख रुपए ज्यादा नहीं ले रही है मारुति, क्योंकि हमें कंफर्ट और कन्वीनियंस के सारे फीचर तो प्रोवाइड करवा ही रही है। एंड ऊपर की ओर बात करें तो इस गाड़ी में आपको शार्क फिन एंटीना देखने मिलेगा, रूफ रेल्स आपको नहीं मिलेंगी, जैसे हमें टॉप मॉडल के अंदर मिलती है। एंड रियर प्रोफाइल की ओर चलें तो यहाँ पे आपको एलईडी के अंदर टेल लैंप्स देखने मिलेंगे, जैसे हमें टॉप मॉडल के अंदर मिलते हैं। एंड ऊपर की ओर आपको विंडशील्ड पे डिफोगरी देखने मिलेगा, वाइपर एंड वॉशर नहीं मिलने वाला है। एंड ऊपर की ओर आपको स्पॉइलर एंड हाइस्ट माउंट लैंप देखने मिल जाएगा, पीछे की ओर आपको 4 पार्किंग सेंसर एंड 2 रिफ्लेक्टर देखने मिल जाएंगे, एंड नीचे की ओर आपको सिल्वर के अंदर बंपर देखने मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट जैसे हमें टॉप मॉडल के अंदर रियर लुक मिलता है, सारे फीचर मिलेंगे सिर्फ एक वाइपर और वॉशर को छोड़कर। एंड अब चले इंटीरियर में, तो आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो सिस्टम देखने मिलेगा, जिसके अंदर आपकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन वगैरह सारी चलेंगे। एंड आपको अगेन कह रहा हूँ कि स्कॉर्पियो वैन की तरह आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिलेंगे, अच्छी कैपेबिलिटी के साथ में मिलेंगे, मतलब आप चला भी सकते हो। स्कॉर्पियो वैन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने एप्पल कारप्ले तो अभी दिया ही नहीं है और जो एंड्रॉइड ऑटो है वो अभी चल भी नहीं पा रहा है। तो और नीचे की ओर बात करें तो आपको ऑटोमेटिक एसी इस गाड़ी के अंदर देखने में मिल जाएगी। एंड एमआईडी की बात करें तो जैसे आपको टॉप मॉडल के अंदर मिलती है, वैसे आपको डिजिटल एमआईडी देखने में मिलेगी। इसमें आपको अभी जो ये गाड़ी है रूम के अंदर नहीं आई है, इसमें आपको एक सीएनजी का मीटर और देखने में मिल जाएगा, एमआईडी की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको देखने में मिलेंगे, साथ ही आपको इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल भी देखने में मिलेगा, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। एंड ड्राइवर साइड के डोर की बात करें तो आपको ऑल 4 पावर विंडो के बटन एंड ORVM के कंट्रोल्स आपको देखने में मिल जाएंगे। नीचे की ओर आपको 1 लीटर बोतल होल्डर एंड आपको फैब्रिक पैडिंग भी सभी डोर के अंदर देखने में मिल जाएगी, जो इस वेरिएंट के अंदर अगेन मैं आपको कह रहा हूँ प्रोवाइड करवाना काफी ज्यादा अच्छी बात है। मतलब आप लोगों को अभी ये लग रहा होगा कि मतलब सारे फीचर तो हमें प्रोवाइड वो करवा दिए गए हैं और क्या आप मारुति की जान लोगे। एंड अब बात कर लेते हैं, जान से बात आई तो क्या आपको सेफ्टी में कितने एयरबैग मिलेंगे, तो आपको 2 एयरबैग ही देखने मिलेंगे। आने वाले टाइम के अंदर 6 एयरबैग हैं वो भी आ सकते हैं। एंड आपको चारों जितने भी आपको जो टायर्स हैं इनके अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने मिल जाएंगे, सेफ्टी रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। एंड सेंटर में बात करें तो आपको ड्राइवर आर्म रेस्ट देखने मिल जाएगी एंड आपको नीचे की ओर डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स देखने मिल जाएगा। आप चलते हैं सेकंड रो में, तो आपको सेकंड रो के डोर के अंदर आपको एक पावर विंडो का बटन एंड सीट्स की बात करें तो आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने मिल जाएंगे एंड आपको आर्म रेस्ट भी दिया गया है एंड बीच में आपको एसी वेंट्स भी देखने मिलेंगे। ठीक है, और बात करें तो बूट में आपको पार्सल ट्रे दी रहेगी। एंड अब बात करें सीएनजी टैंक के कैपेसिटी की और आपको कितना लीटर का बूट स्पेस देखने मिलेगा, तो इसके अंदर जो अर्टिगा में 60 लीटर का सीएनजी टैंक है वो आपको मिल सकता है इस गाड़ी के अंदर। एंड इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको वही जो अर्टिगा और ब्रेजा वगैरह के अंदर जो इंजन आता है, जो भी सेम इस गाड़ी के अंदर भी आता है, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन, वही आपको इंजन देखने को मिलेगा। अगर पावर फिगर की बात करें तो अभी तक मारुति की ओर से रिवील वो नहीं किए गए हैं, लेकिन ये अर्टिगा और ब्रेजा के अंदर इंजन आता है, तो वही अगर आपको सिमिलर इंजन दिया रहता है तो यही सेम पावर फिगर आपको इस गाड़ी के अंदर भी देखने को मिलेंगे।
माइलेज वगैरह की बात करें तो आपको 26 किलोमीटर पर केजी तक ये माइलेज इंजन निकाल के दे देगा। ओवरऑल बात करें तो ये एक अच्छा पैकेज होने वाला है आपको। 15 लाख रुपए के अंदर सीएनजी भी मिल रही है, अच्छी माइलेज भी मिल रही है, सारे फीचर भी आपको देखने में मिल रहे हैं और मारुति का जो ब्रांड वैल्यू है वो भी मिल रही है। मारुति को लोग कितना भी क्रिटिसाइज करें क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी खराब है, लेकिन आपको आउटलेट्स हर जगह देखने मिल जाएंगे, रीसेल अच्छी मिल जाएगी। और अगर आप बात करें सेफ्टी से तो दो कंपनियों ने इस गाड़ी को मिलकर बनाया, तो टोयोटा मारुति फिर भी चाले, लेकिन टोयोटा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसकी कंपनी बदनाम हो, वो ऐसी खराब गाड़ियां बनाए। तो मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है, कोई भी क्रेश टेस्ट रेटिंग अभी तक इस गाड़ी की नहीं आई है, मे बी आने वाले टाइम के अंदर आ जाएगी। सीएनजी वेरिएंट लॉन्च करने का कोई बड़ा आपको प्रीमियम वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बस नॉर्मली कंपनी अपनी वेबसाइट पे लगा देती है कि सीएनजी गाड़ियां आ चुकी हैं, तो मारुति है वो कभी भी लॉन्च कर सकती है, अभी तक मारुति की ओर से कोई भी डेटा वो नहीं दी गई है। तो गाइस मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।